वीवीएम को प्रोग्रामिंग में एक हम प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब एक प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट का मतलब हुआ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है समझिए, तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे मुझे डेटा डाउनलोड करना, बट छोटा सा प्रॉब्लम है कि मेरा सॉफ्टवेयर डेटा डाउनलोड नहीं करता है। मेरा सॉफ्टवेयर क्या नहीं करता है, डेटा डाउनलोड नहीं करता है। अब डेटा डाउनलोड ना करने के पीछे के कारण क्या दिक्कत होता है, दिक्कत ये होता है कि मुझे एक फाइल देना पड़ता है जिसमें वो डेटा पेस्ट कर देता है, मतलब कि मुझे डेटा डाउनलोड करने से पहले एक एक्सेल फाइल बनानी होती है, उस एक्सेल फाइल के अंदर हमें वो डेटा को डलवाना होता है। तो मैं एक ऐसा मैक्रो बनाना चाहता हूँ जिसको रन करते ही मुझे मेरे एक लोकेशन में क्या करे, जैसे ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर दे, जैसे 2023 2000 साल चल रहा है 2023, तो 2023 का फोल्डर क्रिएट कर दे। अभी 2023 के अंदर आज दिन को महीना कौन सा, दिसंबर है, दिसंबर का फोल्डर बना दे। अब इस दिसंबर के अंदर आज दिन 7 है, तो राइट क्लिक करके 7 का फोल्डर तैयार कर दे। और फिर इस 7 फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके न्यू पे जाए और एक फाइल क्रिएट करे जो कि होगा 7/December/2023, कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक है सर। अब कैसे होगा, इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, चलिए वही बताते हैं। तो ये फोल्डर डिलीट कर देता हूं और हम एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। अब इसमें डेवलपर में आते हैं, विजुअल बेसिक पे आते हैं, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, और यहाँ पे सब्जेक्ट हम प्रो अंडरस्कोर वन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दें, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम, सबसे पहले मुझे सिस्टम से डेट निकालना होगा, तो यहाँ लिखते हैं वाई इक्वल टू ईयर, और ईयर के अंदर हम डेट दे, तो डेट क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट, आज की जो डेट है वो डेट लेगा और उस डेट में से ईयर ईयर अलग करके वाई पे स्टोर कर देगा। अब मुझे कहीं भी अभी का ईयर चाहिए, जैसे मुझे MSG बॉक्स के अंदर अभी का मुझे ये चाहिए, ईयर चाहिए, तो इस वाई कॉल कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि 2023 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, समझे सर। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ एन इक्वल टू मंथ, और मंथ के अंदर अगर मान लीजिए मैंने डेट डाल दिया, तो ये क्या करेगा, मंथ जो 12वां महीना चल रहा है, ये 12वां महीना यहाँ पे अगर कर देते हैं एम, तो ये 12वां महीना यहाँ पे शो कर देगा जो कि 12 है, ठीक है। उसी तरह से डी इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा डे, और डे के अंदर हमने डेट दिया, और यहाँ पे अगर हम डी करते हैं तो रन करते ही यहाँ पे 7 आ, ठीक है। तो हमने और हर दिन चेंज होगा, कल ओपन करूंगा तो 7 8 बन जाएगा, तो हमने शो कर लिया। पर प्रॉब्लम है कि मुझे 12 नाम का फोल्डर नहीं, मुझे तो मंथ चाहिए ना, Jan Feb March, तो हम इस कोड को यूज ना करेंगे, अब इसको डेड कर देता हूँ मैं, सिंगल कोड लगा के, ठीक है। मैं करूंगा फॉर्म फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन डेट कॉमा डी डी एम एम, जैसे कि एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग होता है ना, तो ये मंथ को Jan Feb में दे देगा, ठीक है। फिर समझ में आ गया। अब फाइल नेम भी चाहिए, तो हमने Fn किया और मुझे फाइल नेम चाहिए, क्योंकि फाइल नेम में इसमें डायरेक्ट स्लैश होता है और स्लैश फाइल नेम नहीं लेगा, किसी भी कंडीशन में स्लैश फाइल नेम में वर्क नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, मैं यहां पे करता हूं फॉर्मेट के अंदर देता हूं डेट कॉमा, इसमें DD/MMM/YYYY, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे एमएसजी बॉक्स के अंदर देखता हूँ रन करके, तो क्या आएगा एमएसजी बॉक्स में एफएन को, तो देखेंगे एफएन क्या देगा आपको, ये देगा ए फॉर्मेट इसमें, और साथ में फाइल के साथ एक्सटेंशन भी होता है ना सर, तो यहां पे हम लगा देंगे डॉट xlsx, तो फाइल का एक्सटेंशन आ जाएगा। तो ये एंड परसेंट क्या करता है, दो टैग्स को आपस में ज्वाइन करता है। आ गया सर पूरा। अब बात करते हैं फोल्डर बनाने का कोड क्या होता है, तो फोल्डर बनाने का कोड होता है mk, मतलब मेक dir डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी mkdir। अब यहां पे अगर मैंने लिख दिया कि ई ड्राइव के अंदर 2023 का फोल्डर बना, तो ये क्या करेगा, ई ड्राइव में जाके 2023 का फोल्डर बना देगा। अगर मैं बोलूं कि 2023 के अंदर इसमें मुझे दिसंबर का फोल्डर बनाना है, तो दिसंबर का फोल्डर बना देगा। मुझे 2023 के अंदर, दिसंबर के अंदर मुझे 7 तारीख का फोल्डर बनाना है, तो 7 तारीख का फोल्डर बना। तो ध्यान रखिएगा, एक बार में एक फोल्डर बनाएगा और जो सबसे लास्ट में लिखेंगे उसी को फॉलो करेगा। सर यहां पे मान लीजिए चाहिए तो 2023 का फोल्डर होना चाहिए, इसलिए मैंने वन बाय वन किया कि हमने 2023 का फोल्डर बनाया, हमने 2023 के अंदर दिसंबर का फोल्डर बनाया, और यहाँ पे हमने उसके अंदर सेविंग का फोल्डर बनाया। क्योंकि वीबी माइक्रो प्रोग्रामिंग लाइन बाई लाइन प्रोग्रामिंग होता है, एक एक्शन एक लाइन। लास्ट डेट वाला जो है वो हाँ डायनेमिक नहीं कर सकते तो होगा, डायनेमिक होगा, मैं बता दिखा रहा हूं आपको, मैं ये डायनेमिक करने के लिए तो ऊपर में कैलकुलेशन किया है सर। अब मुझे 2023 को डायनेमिक करना है, राइट, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉनकेट करके कर देंगे वाई, तो 2023 किससे ले लेगा, वाई से ले लेगा, ठीक है। सेम यहां भी हम कॉनकेट वाई वाई फिर एन डबल आई परसेंट, डबल, ये जो कंकैटिनेट के लिए होते थे ना, हाँ डबल होता है, किसके लिए, कौन सा ये डबल, जो डबल डबल इनोडा कॉमा की मतलब बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। एंड, हाँ सर ये तो होता है कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट देना चाहते हो, यहाँ पे कॉन्क्रीट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्क्रीट हो रहा है, तो नहीं सर, ये होता है। आप देखिए एक्सेल, एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं आप, हाँ सर, तो उसमें कोई टेक्स्ट लिखना होता है, जैसे आपने लिख दिया इफ अगर ग्रेटर देन 50 है तो ओके, तो ओके ओके डायरेक्ट लिख देते हैं। नहीं सर, वो उसके अंदर ही लिखता है सर। जी हाँ, तो चाहे एक्सेल हो या वीवी हो, अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना हो तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। तो वाई हमारा क्या, एक वेरिएबल है, बट ई स्लैश तो एक टेक्स्ट है ना सर। समझ गया सर, इसी तरह से यहां पे हम ले लेंगे एम, क्या ले लेंगे एम, और फिर इसी को रिपीट करेंगे यहां पे। अब डायनेमिक हो गया, अब हो गया सर डायनेमिक। बट एक प्रॉब्लम है, ये माइक्रो सिर्फ एक बार ही चलेगा, सेकेंड टाइम नहीं चलेगा। रीजन कि एक नाम के दो फोल्डर तो नहीं बनेगा ना सर, क्या हमने यहाँ पे कहीं मेंशन किया है कि फोल्डर पहले से बना हो तो मत बनाओ, क्योंकि तो हमारा 2023 का फोल्डर तो साल में एक बार बनाना है। वो बात नहीं है सर। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जैसे ही रन करेंगे ना, ये एरर आएगा, जैसे एक बार से जैसे मैं रन किया तो रन यहाँ पे डिबग का ऑप्शन आ गया, आ गया ना, फाइल पाथ फॉन्ट नॉट फॉन्ट, अच्छा इसमें इसमें गड़बड़ है, ये नहीं लगा ना, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। एक बार ये वर्क कर जाएगा, वर्क कर गया, अब देखेंगे कि आपके ई ड्राइव में 2023 इसके अंदर दिसंबर, उसके अंदर 7 का फोल्डर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही सेकेंड टाइम रन करूंगा तो क्या होगा, ये एरर आएगा, फाइल पाथ एक्सेस एरर, क्लियर। तो मुझे क्या करना है कि अगर बना हो तो नहीं बना, नहीं बना है तो बना दो, तो अगर बना होगा तो एरर देगा, नहीं बना होगा तो एरर नहीं देगा, रन हो जाएगा ना सर। तो लूप बनाना होगा उसमें। तो लूप नहीं बनाना है, एक सिंपल सा कोड लिखना है कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। इससे क्या होगा कि इसके नीचे किसी भी लाइन के अंदर एरर आया तो क्या करेगा, उस लाइन को
स्किप का सेकेंड लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं भी यही चाहता हूं कि अगर बना है तो मेरा कोर रन ना हो, समझे। अरे और एरर रिज्यूम नेक्स्ट रन नहीं करने देगा, समझे। अब मैं यहां पे लिखता हूं वर्क बुक्स डॉट एज डॉट सेव एज। अब सेव एज कहां, तो ये इस पे। तो मैं एक काम और करता हूं कि पाथ यहां पे इसको कॉपी कर देता, राइट। और मैं इक्वल टू पी इक्वल टू हमने इन्वर्टेड इसके अंदर ये डाल दिया, तो पूरा पाथ जनरेट होके कहां पे आ जाएगा, पी पे आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हम करेंगे कि यहां पे एक काम और कर सकते हैं कि यहां पे एन परसेंट स्लैश फिर एन परसेंट और यहां पे एफ एन फाइल और यहां पे दे दीजिए पी। ठीक है, तो ये क्या करेगा P के ऊपर ये क्या करेगा, ये करेगा E ड्राइव के अंदर 2023 स्लैश इसके अंदर दिसंबर स्लैश इसके अंदर सेवन सेवन स्लैश यहाँ पे एफ एन पे जो होगा 07 डैश दिसंबर डैश 2023 डॉट xls ये देगा। और हमने कल आपको बताया था कि फाइल सेव करने के लिए हम यही करते हैं क्या, यही करते हैं ना सर। हाँ सर, समझे। ठीक है, तो अब मैं एक बार 2023 का फोल्डर रन करता हूं, डिलीट करके रन करता हूं। ठीक है, अब यहां पे मैसेज भी दे दीजिए ताकि पता चले कि हाँ कि कुछ हुआ है। तो एमएसजी बॉक्स के अंदर डेटा सेट फाइल फाइल क्रिएटेड फाइल फोल्डर क्रिएटेड फाइल फोल्डर क्रिएटेड डन। ठीक है, अब जैसे जैसे इसको रन करेंगे ये हो जाएगा। और अब देखिए यहां पे मेरा फाइल ओपन रह गया ना, क्रिएट हुआ ओपन रह गया। मैं चाहता हूँ फाइल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए क्योंकि तो मुझे ओपन नहीं करना, ओपन हो जाएगा तो फिर डेटा एंट्री नहीं ना होगी सर। तो यहां पे क्या करेंगे, हम करेंगे एक्टिव वर्क बॉक डॉट क्लोज और यहां पे ट्रू। ठीक है, समझे। अब जैसे इसको हम यहां पे रन करेंगे तो वर्क कर जाए। अब क्वेश्चन आता है कि हर दिन मुझे इस फाइल को ओपन करके फिर इसको रन करना पड़ेगा क्या। तो एक काम और कर सकते हैं कि हम इस माइक्रो नेम को लेते हैं और दिस वर्कबुक दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करते हैं, हमने वर्कबुक लोकेशन और इवेंट में ओपन सेलेक्ट करते हैं और इस माइक्रो नेम को पेस्ट कर देते और फिर इस फाइल को कर देते हैं सेव। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही मेरा फाइल ओपन होगा मेरा डेटा ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। तो मुझे अब मुझे क्या है कि रन करने का जरूरत नहीं है, मेरा ऑटोमेटिक रन हो जाए बट मुझे फाइल ओपन करना है, समझे। जैसे अभी आपको क्या करना है, माइक्रो में जाके माइक्रो सेलेक्ट करके रन करते हैं ना। तो अब क्या मैंने क्या किया कि इस माइक्रो नेम को जो हमने माइक्रो नेम हमारा है प्रो वन उसको मैंने दिस वर्कबुक के ओपन वाले यहाँ पे वर्कबुक सेलेक्ट किया, यहाँ पे ओपन सेलेक्ट किया और इसके अंदर डाल दिए। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मेरा फाइल ओपन होगा ना ये प्रो वन ऑटोमेटिकली मतलब कि जो रूल्स में माइक्रो हो वो ऑटोमेटिक रन हो जाए, समझे। क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक रन हो जाएगा।
लेकिन मुझे फाइल को ओपन करना पड़ेगा। दो मिनट सर, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। जी 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 ठीक।